राजस्थान में भजनलाल सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में इस बार जयपुर को कुछ नए प्रोजेक्ट मिले हैं। इसमें नए एलिवेटेड रोड्स के निर्माण के अलावा शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू करने की भी घोषणा की गई है। बजट में जयपुर के लिए ये की घोषणा। ट्रैफिक की समस्या का समाधान के लिए 1500 ज्यादा पुलिस वॉलंटियर्स दिए जाएंगे। RUHS जयपुर में नया ट्रॉमा सेंटर बनेगा। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। जयपुर के परकोटा और हेरिटेज बिल्डिंग के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्लान बनाकर काम शुरू करवाया जाएगा। और आमेर में लाइट एंड शो का बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडप बनाया जाएगा। आमेर, जयगढ़, नारगढ़ किलों पर रोपवे शुरू किया जाएगा। इसके लिए DPR बनाई जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल कैपेसिटी को 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष बढ़ाकर 70 लाख करने और नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा। जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। जयपुर मेट्रो रेल को सेंट्रल के सहयोग से बजट दिया जाएगा ताकि मौजूदा प्रोजेक्ट्स का काम करवाया जा सके। जयपुर शहर में एलिवेटेड सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। जयपुर के पर्यटन स्थल पर IT से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। जयपुर में पौधारोपण और पार्क के विकास कार्यों के लिए अलग से बजट दिया जाएगा। जालना में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।